नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आया हादसा। नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर चारमीनार एक्सप्रेस दीवार से टकराकर पटरियों से उतर गई। चारमीनार एक्सप्रेस की कुछ बोगियां आज नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर पटरियों से उतर गई। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचते ही ट्रेन साइड वॉल से टकरा गई, जिसके नतीजे में ट्रेन के कुछ डब्बे पटरियों से उतर गए और अचानक झटका लगा। S2, S3, S6 बोगियों को जसवी नुकसान पहुंचा। इस हादसे में 10 मुसाफिरों को मामूली चोटें आई। जख्मियों को फौरी तौर पर लालागुड़ा के रेलवे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ट्रेन चेन्नई से नामपल्ली पहुंच रही थी। बताया गया है कि ट्रेन स्टेशन पर रुके बगैर डेड एंड तक पहुंच गई और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन की कुछ बोगियाँ पटरियों से उतर गई। अहकाम ने इसकी वजह लोकल पायलट की गलती बताई है। हादसे के साथ ही मुसाफिरों में खौफ की लहर दौड़ गई। जिस ट्रैक पर चारमीनार एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा पेश आया था, वहां कई ट्रेनें चलती है। MMTS ट्रेनें भी इस ट्रैक पर चलती है। अहकाम इस वाकये की जांच कर रहे हैं। फिलहाल पटरी से उतरी हुई बोगियों की मरम्मत का काम चल रहा है। इस वाकये का इल्म होते ही रेलवे के आला अहकाम वहां पहुंच गए। इस वाकये पर रद्द अमल जाहिर करते हुए हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने जख्मियों के बेहतर इलाज की हिदायत दी। आइए देखते हैं इस खसूस में चंद तफसील हमारी ये खास रिपोर्ट में। Thank you.